11 अप्रैल को हुए सचिवालय घेराव के दौरान कानून तोड़ने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल और संजय राव समेत तमाम नेताओं पर आज यहां पर पूछताछ हुई है ध्रुवा थाने में, और इस पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। जबकि दीपक प्रकाश जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना था कि वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं और अगर सरकार में हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जब भी सरकार बुलाए और वो बातचीत करने के लिए, पूछताछ के लिए हमेशा तैयार है। आइए सुनते हैं क्या कहा है बीजेपी के नेताओं। हम सब कोई जानते हैं कि 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हम लोगों ने सचिवालय घेराव करने का कार्यक्रम आयोजित किया था। शांतिपूर्वक जुलूस, शांतिपूर्वक कार्यक्रम, शांतिपूर्वक धरना देने का कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे, प्रदर्शन करने का कार्यक्रम कर रहे थे। लेकिन हेमंत सोरेन के इशारे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी की ठगबंधन की सरकार के, जनता के आकांक्षाओं के विपरीत काम करने वाली सरकार, बेरोजगारों के आत्मा को प्रहार करने वाली सरकार, कानून व्यवस्था जर्जर करने वाली सरकार, विकास को शून्य करने वाली सरकार, जनता की अभिलाषा के विपरीत शांतिपूर्वक आंदोलन को कुचलने के लिए लाठीचार्ज, आश्रु गैस और फर्जी मुकदमे किए गए। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, इसलिए जब यहाँ से नोटिस जारी हुआ तो हम लोग कानून का सम्मान करते हुए हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में, अनुसंधान में पूरी तरह से सहयोग देने का हम लोगों ने कहा है, और साथ साथ में हम लोग लगातार जनता के हक और हुकूक की लड़ाई भी लड़ते रहेंगे। चाहे हेमंत सोरेन की सरकार एक नहीं सैकड़ों मुकदमे दर्ज करे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना झुकने वाला है, ना टूटने वाला है, और हम सब लोग लगातार आगे भी संघर्ष को जारी रखेंगे। पूछा क्या गया सर, सवाल क्या था? सवाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जो होता है वो पूरे आंदोलन की रचना, कार्यक्रमों के जानकारी और कानून तोड़ने की बात की। हम सब कोई जानते हैं कि 144 जहां पर लगा था वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं गया था। हम तो शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहे, आगे भी शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहेंगे। क्या बोले, आगे फिर बुलाया जाएगा? हम तो गिरफ्तारी देने के लिए आए थे, हम तो बोरिया बस्तर लेकर के आए थे। सरकार में दम है तो हम सब लोगों को गिरफ्तार करें। हम लोग ना गिरफ्तारी से डरने वाले हैं, ना फर्जी मुकदमे से डरने वाले। मुझे जानकारी है कि कौन सा धारा में क्या होता है, तो मैंने कहा कि भाई पहले जिंदगी में 100 केस हुए हैं, आज तक एक भी केस नहीं था। 11 अप्रैल के बाद फिर एक भी केस हुआ है, नया खुला है, तो कभी नोटिस नहीं मिला। एक साल दो साल के बाद फिर पता चलता था कि नहीं साहब आपका जी केस है, फिर जाना पड़ता था वहाँ। तो इन्होंने बताया कि अमेंडमेंट हुआ है कि 7 साल से कम सजा वाले में आपको नोटिस, उन्होंने नोटिस दिया। तो मैंने एक एक धारा पर कहा कि भाई 144 आप लगाए, तो आप दिखाइए कि 144 जहाँ लगा था वहाँ नहीं था। हाँ, इससे इनकार नहीं है कि सीधी से आगे आगे गया था, लेकिन ना मैंने बैरिकेटिंग तो ना मैंने बैरिकेटिंग पर चढ़ा, ना उस पार हुआ, ना पुलिस से उलझा। तो सवाल ये है कि भाई किस तरह से आप ये आरोप लगाए, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना, जुलूस करना, धरना देना, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, और इस लोकतांत्रिक अधिकार को हम करते रहेंगे। जन अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार के खिलाफ यदि हमें लगता है ये जनहित में सरकार काम नहीं कर रही है, तो वैसे प्रदर्शन रोज करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से करते हैं, करेंगे। दूसरा बात कि हम लोग कानून बनाने वाले हैं, कानून कौन बनाता है? लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर सांसद बनाते हैं, विधानसभा के अंदर विधायक बनाते हैं, तो हम लोग कानून बनाते हैं, तो कानून का पालन करना भी हम लोग का दायित्व बनता है। और आंसू गैस
और ये मुकदमा जो फर्जी तरह से किया गया, सरकार के इशारे पे किया गया, और केस मुकदमा के भय दिखाकर जनता की आवाज़ को कुचलने का प्रयास हो रहा है। और 41A के तहत धुरवा थाना के द्वारा हम लोगों को नोटिस दिया गया कि हम लोगों ने 144 का उल्लंघन किया, सरकारी काम में बाधा किया। उनके बिंदुवार जो प्रश्न थे सभी को हम लोगों ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, और जिस तरह से जानबूझकर कार्यकर्ताओं को फंसाने का प्रयास करके झारखंड के गरीब गुरुआ पिछड़ों दलित की आवाज़ को दबाना चाहती है ये सरकार, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं और केस मुकदमा से भी डरने वाले नहीं हैं। हम लोग तय करके आए थे कि सरकार अगर जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है तो हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, और एक नहीं 100 केस भी सरकार करेगी तो 44 धारा का उल्लंघन आप लोगों ने किया है। हम लोगों ने प्रश्न उनसे पूछा कि आपका 144 धारा कहाँ पे था, तो उन्होंने कहा कि सचिवालय के 200 मीटर्स पर था, और जो बैरिगेटिंग जहाँ थी वहाँ पर जहाँ सभा हो रही थी वहाँ 144 नहीं लगा हुआ था। तो इसका मतलब कि वहाँ 144 धारा का उल्लंघन हम लोगों ने नहीं किया, और सरकारी काम का बाधा जो बैरिगेटिंग तोड़ के पार कर देना और ये सब और सचिवालय में घुस जाना, जब हम लोग सचिवालय तक गए ही नहीं, बैरिगेटिंग पार किए ही नहीं, तो उसमें 353 लगा के झूठे फर्जी केस में फंसाना चाहती है। और इस तरह के कार्यकलाप जो सरकार के इशारों पर ये हो रहा है प्रशासन के द्वारा, ये बहुत ही निंदा का विषय है। इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ढंग से कोई भी आंदोलन, कोई भी संघर्ष की आवाज़ को अगर कोई दबाने का काम करेगा तो जनता उसके लिए संघर्ष करने के लिए हम